2020 संस्कार धानी जबलपुर में होने जा रहे माँ नर्मदा को कुंभ में पधारे हुए समस्त साधु संतों के स्वागत के लिए संस्कार धानी वासियों ने जिस प्रकार से स्वागत मंच लगाए हैं, यह संस्कार धानी की गौरव और प्रतिष्ठा का परिचय देते हैं कि जबलपुर संस्कार धानी प्रारंभ से ही ईश्वर व संतों का अत्यंत ही सम्मान करती है। और यह जो चित्रकला का भी आयोजन बहुत बढ़िया किया गया है, धन्यवाद देते हैं वित्त मंत्री माननीय तरुण भनोत जी को, मध्य प्रदेश शासन को, जिन्होंने जबलपुर संस्कार धानी को एक नई सौगात दी। उसके लिए माननीय तरुण भनोत जी का संस्कार धानी की ओर से साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। जबलपुर संस्कार धानी प्रारंभ से ही बहुत भाग्यशाली रही है कि यहाँ पर माँ जगत जननी माँ जगदानंदी नर्मदा मैया अपने भक्तों को दर्शन दे रही हैं। और इसी कड़ी में माननीय तरुण भनोत जी की ओर से यह जो नर्मदा गौकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, वह भी एक बड़े ही गौरव की बात है संस्कार धानी वासियों को। संस्कार धानी वासियों से मेरा निवेदन है कि वह इस कुंभ में अवश्य पधारें, परंतु सच्ची सेवा सच्ची भक्ति वही है कि माँ नर्मदा को तनिक भी गंदा ना करें, माँ रेवा के तटों को पवित्र रखें, हो सके तो स्वयं भी प्रयास करें कि माँ रेवा को किसी भी प्रकार से हम गंदगी ना फैलाएं घाटों पर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज़ संवाददाता भाई ऋषि चौकसे जी भी अपने विचार व्यक्त करेंगे। हमारा एक ही मत और एक ही विचार है इसमें। हम ये कहना चाहेंगे समस्त संस्कार धारी वासियों से कि प्रदूषण मुक्त बनाएं। कोई भी नर्मदा माँ रेवा को में प्रदूषण बिल्कुल ना फैलाएं और जो कर रहे हैं उनको भी रोकें। मैं ये कहना चाहूँगा अपने माध्यम से सभी लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा, जिस प्रकार आप घर में गंदगी बर्दाश्त नहीं करते हैं, उसी प्रकार आप अपने माँ रेवा माँ नर्मदा माई में किसी प्रकार की गंदगी का आह्वान ना करें। जैसा कि अभी हमारे ऋषि चौकसे जी ने बताया कि माँ रेवा को तटों को गंदा ना करें, सफाई बनाए रखें। इसी प्रकार संतों की बात को मैं आपसे कहना चाहूँगा कि संत कहते हैं कि माँ रेवा का हर कंकड़ शंकर, अर्थात माँ रेवा के जितने भी कंकड़ हैं स्वयं भगवान शिव का रूप हैं, और हम सभी भगवान शिव की पूजा करते हैं और भगवान शिव ही को हम गंदा कर रहे हैं, तो इस प्रकार के कामों से हमको बचना है। माँ रेवा के तटों को हमें स्वच्छ व सुंदर रखना है। और यह जो आप देख रहे हैं जगह जगह ये जो साधु संतों की पेशगी होनी है, उनके लिए ये स्वागत मंच लगाए हुए हैं। ये देखिए ये संतों का धीरे धीरे संतों का आगमन हो रहा है। यह कुंभ नर्मदा तट गौरी घाट गीता धाम के पास इस कुंभ का आयोजन हो रहा है। प्रफुल्ल भाई बहुत बढ़िया है, माँ नर्मदा की कृपा है, अपने भाइयों का प्यार है, बड़ों का आशीर्वाद है। मेरा सभी संस्कार धानी वासियों से पुनः निवेदन है
कि किसी भी प्रकार की गंदगी घाटों पर ना करें, माँ नर्मदा के तटों पर ना करें। अरे बिल्कुल प्रफुल्ल भाई, और हम क्या ले चले भैया, मैया आपको स्वयं बुलाएगी। ये देखिए, ये संतों के आगमन के लिए जगह जगह ये जो स्टेज लगाए गए हैं, इसमें पुलिस प्रशासन का भी अत्यंत सहयोग है, उन्हें भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये देखिए, यह अचल समारोह प्रारंभ हो चुका है। यह देखिए, पुलिस प्रशासन पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन संतों के स्वागत में लगा हुआ है। ये देखिए, एक सी एक झांकियां हमारे बीच। ये देखिए, हाथी बाबा बहुत बड़े और सूर उठाकर कहां चले। ये देखिए, बस कुछ ही क्षणों के पश्चात